जहीर, मैंने ये नोटिस किया है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की है, लेकिन तुम परेशान मत हो। अली बेटा, बोलो मामा, बोलो बाबा। अम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, तुमने कल खाई थी आइसक्रीम। अम्मी, मैं बच्चों के साथ खेलने जाऊं? हाँ जाओ खेलने, लेकिन जल्दी आ जाना। क्या आपका बच्चा भी ऐसा बर्ताव करता है? क्या आपके बच्चे में भी ऐसी कोई अलामत पाई जाती हैं, जैसे आंखों में आंखें डाल के ना देखना, बोलने बात करने में मसला होना, बच्चे का बेचैन रहना, अपने हाथों को मुसलसल हवा में हिलाते रहना, पांव के पंजों के बल चलना, जमीन पे अपना सर मारना, अपने आप में मस्त रहना और दूसरी तरफ तवज्जो ना देना? तो इन अलामत को नजरअंदाज मत करें। ये ASD यानी ऑटिज्म सिंड्रोम डिसऑर्डर हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक हर 68 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से मुतासिर हो सकता है। ASD बच्चों की बुनियादी ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर करता है। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान अमीन होतियाना है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेयो हॉस्पिटल में। अभी मैं ऑटिज्म के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करना चाहता हूँ। ऑटिज्म कौन सी बीमारी है, कैसे बच्चों की तशखीस हो सकती है? मैं बड़े आसान लफ्जों में कुछ बातें आपके गोशवार करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब आप देखते हैं तो बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं, बिल्कुल गुम हैं। ना वो नए लोगों की तरफ तवज्जो करते हैं, ना उनके चेहरा देख के उनका तासुरात तब्दील होता है, और वो अपनी किसी गेम में मशगूल रहते हैं। हो सकता है अपनी बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी खास पैटर्न को देख के उनसे खेल रहे हैं, हो सकता है पानी के अंदर यूं हाथ मार के खेलते हुए दिखाई दें, हो सकता है गोल गोल घूमते हुए नजर आए आपको। या अपना उनको अगर कोई स्ट्रॉलर है या कोई दराज है या कोई खिलौना है, उनकी पूरी दुनिया वो खिलौना है और वो है। ये बच्चे इनको बड़ी मुश्किलात होती हैं। ये जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर से डांट पड़ती है, घर में माँ बाप से डांट पड़ती है। ये मसला क्या है? आसान लफ्जों में हम सब जानते हैं कि 20 में से कम एक बच्चा लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है? लेकिन हमारा मुआशरा इस किस्म का है कि हम बाएं हाथ से लिखने वाले को भी डंडे मार मार के हम दाएं हाथ का बनाने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। रीजन है समझना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मसलन बच्चे जो मेल बच्चे हैं 40 में से एक, और खवातीन में लड़कियों में 168 की फिगर है, और एवरेज यानी कि हर 68 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा जो आम बच्चे से जरा मुख्तलिफ है। थोड़ी देर के लिए हम ऑटिज्म के बच्चे के जहन में चलते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको आपको देख के उसके चेहरे के तासुरात, उसको नहीं समझ आ रही कि आप गुस्से में हैं, आप चाहे ऊंचा बोलें चाहे जो मर्जी करें, उसके लिए ये बहुत शोर है। तो जब वो कानों पे यूं हाथ रखते हैं तो ये हमें इंटरप्रेट करने के वो क्या कह रहे हैं हमसे। अगर वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता बाकी बहन भाइयों की तरह, इसका ये मतलब नहीं कि वो कम अकलमंद है या कोई प्रॉब्लम है या डिसेबल है। प्लीज इसको गौर करिए, ऑटिज्म बीमारी नहीं है, एक डिफरेंट लैंग्वेज है। इंसान के अंदर 100 बिलियन दिमाग के खलिए हैं जिसके अंदर 300 ट्रिलियन कनेक्शंस हैं। अब ये कनेक्शंस मुख्तलिफ वैराइटीज में आ सकते हैं। अब ये शदीद किस्म की आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है कि हम इन लोगों को मरीज समझते हुए हम दवाइयां दे रहे हैं। कभी हम टीचर है तो कोई डंडा लगा रहा है या कोई पेरेंट है वो गुस्से में आ रहा है। ये बच्चे बहुत अक्लमंद भी रहे हैं, बहुत हिस्ट्री में अपने आइंस्टाइन का नाम तो सब नहीं सुने, और कहा जाता है कि आइंस्टाइन को भी ऑटिज्म था, उसके खास एक ब्रांच एस्पर्जर डिसऑर्डर थी। आइंस्टाइन शक्ल देख के लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था, कई दफा वो क्लास को अकेले पढ़ाता जाता था। असल में क्या है, देखें मैं आखिरी बात ही कहूंगा कि देखें आपने देखा है कि हमारा फोकस कितना कम है आजकल। 5 मिनट वो आप नहीं सुन सकते लेक्चर, नमाज में लोग कहते हैं हमारा फोकस नहीं हो रहा। ये बच्चे जिसमें अल्लाह ताला ने 70-80% फोकस रख दिया है, अगर वो एक काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसका उस चीज पे है, इतना ज्यादा फोकस है कि बाकी चीजों का उसको ध्यान नहीं है। अगर ऐसे बच्चे की अगर हम हौसला अफजाई करने की बजाय अगर हम उसको डंडा लगाएं कि भाई तूने मेरी बात नहीं सुनी, तूने मेहमान आया उसकी बात नहीं सुनी, तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा ज्यादती है।
आप इस अवेयरनेस के हवाले से जो ऐसे बच्चे आपके इर्द गिर्द मौजूद हों लोगों को बताएं, और मजीद मालूमात के लिए अपने करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकेट्री शोबा जेनी अमराज के शोबे में तशरीफ लाएं, यहाँ पे आपको मजीद इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। हो सकता है आप अपने तौर पे खुद से भी अपने बच्चों को डायग्नोज कर रहे हो कि ये ऑटिज्म है, इसको ऑटिस्टिक है। कुछ आम बुनियादी बच्चों में मामलात जो है वो भी इन अलामात की वजह बन सकती है। सबसे कॉमन क्या है, जो बच्चों को आप जंक फूड देते हैं, कोक, स्प्राइट, फेंटा, ये जो पिलाते हैं, नंबर वन स्लीप डेप्रिवेशन, कम नींद, जो रात को शादियों पे जा रहे हैं, आउटिंग जा रहे हैं, बच्चों की खास टाइम है उस पर सुलाना बहुत जरूरी है, सुबह टाइम पे टिकाना बहुत जरूरी है। और नंबर तीन, किसी किस्म का मामला घर पे, डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस, माँ बाप अगर लड़ाई कर रहे हैं, स्कूल में अगर कोई बुलिंग हो रही है, बच्चे आपस में लड़ भड़ रहे हैं, इसके भी जहन के ऊपर बहुत मनफी तासुरात आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।